जय श्री राधे, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मित्रों मेरे इस YouTube चैनल में। मित्रों, आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और आप सभी को धार्मिक वीडियो और राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त होते रहेंगे। तो मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। तो धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को देने वाली और सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली, सभी कार्यों में विजय देने वाली, और जो भी इस व्रत कथा का श्रद्धा पूर्वक सुनता है और इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो इसका संपूर्ण फल आपको मिल पाएगा। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत का क्या विधान होता है और इसका क्या महत्व होता है। तो किसी भी व्रत को विधि पूर्वक किया जाता है तो उसका संपूर्ण फल हमको मिलता है। तो भगवान विष्णु जी की कृपा और धर्म संचय के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत और उपवास में अंतर होता है। किसी भी व्रत को परंपरा के अनुसार सागहार, फलहार आदि लिया जा सकता है, परंतु उपवास में अधिकतर निराहार किया जाता है। मन में भगवान को साक्षी मान करके व्रत को करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दसवीं तिथि को शाम से लगा करके द्वादशी की दोपहर तक निराहार रहने से और एकादशी की रात्रि को जागरण करने से सभी एकादशियों का पूर्ण फल मिल जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले को सुबह स्नान करने के बाद भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और काम क्रोध मोह लोभ को परित्याग करके सत्कर्म भाव से करना चाहिए और एकादशी की कथा सुनना चाहिए। तो विजया एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है कि युधिष्ठिर बोले, फाल्गुन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। सो कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, इसका नाम विजया है। यह व्रत करने वाले को सदा विजय देने वाली है, पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। जब रामचंद्र जी वनवास के समय सीता और लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता को रावण हरण करके ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत संतप्त हुए और वन में भ्रमण करते हुए आसन्न मृत्यु जटायु को देखा और कबंध नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी ने सीता जी का वृतांत कहकर जटायु भी मर गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बांदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी को देखा। रामचंद्र जी की अंगूठी सीता जी को देखकर बड़ा काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सब वृतांत सुनाया। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव को सलाह से लंका को प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र तट पर जाकर रामचंद्र जी अतः समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लगे और लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्र, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ यह सागर अतः जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता जिससे सुख से पार जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि देव हैं। इस द्वीप में एक दलाभ्य मुनि रहते हैं, यहाँ से उसका आश्रम दो कोस है। हे राजेंद्र, उन्हें श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर के रामचंद्र जी एक दलाभ्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने सिर से प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किस कारण से उन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो। रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, मैं लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। आपकी कृपा से समुद्र को पार कर सकूंगा, आप कृपा करके उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूंगा जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीत करके विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र गमन से इस व्रत को करो। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी होती है। इसका व्रत करने से तुम्हारी ही जीत होगी और वानरों समेत समुद्र को पार कर जाओगे।
हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनो। दसवीं के दिन सोना चांदी तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनवावे। स्थापित के ऊपर सप्तधान्य रख कर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें पंच पल्लव रखकर कलश के ऊपर सिकोरे में जो रखे उसे ऊपर स्वर्ण से बनी हुई नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातः का स्नान करें। कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति का गंधक्ष पुष्प धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि और अनार से भक्ति भाव पूर्वक पूजन करें और दिन को व्यतीत करें। मूर्ति के सम्मुख रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर नदी सरोवर अथवा जलाशय के पास उस कलश को जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। फिर राजेंद्र मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को देवे। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से रामचंद्र जी की लंका पर विजय हो गई। तो हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उसकी इस लोक में और परलोक में सदा विजय होगी और अपने कामकाज व्यापार धंधो आदि में सभी कार्यों में घर परिवार में उसकी विजय होगी और जो इस कथा को सुनेगा उसकी भी विजय होगी। तो फलाहार में श्री नारायण की स्वर्ण मूर्ति रख करके धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। इस दिन सिंघाड़े का सागर लेना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।